अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसकी सिफारिश पर संसद भंग करने का फैसला किया है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी राज्यसभा सांसद। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। नए साल 2021 में भागलपुर रेलवे जंक्शन पर होगा यात्रियों के सुविधाओं का विस्तार। जी हां, नए साल में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और यह पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखेगा। स्मार्ट सिटी का स्टेशन भी बड़े स्टेशनों की तरह स्मार्ट होगा। विगत एक साल में जंक्शन पर कई सुविधाएं बढ़ी है। 2021 के जनवरी से मार्च के बीच यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मार्च तक पूर्वोत्तर भारत का पहला हाईटेक रेलवे यार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से गाड़ियों के रखरखाव में सहूलियत होगी। यार्ड को सुरक्षित करने के लिए ऊंची चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया गया है। उक्त जानकारी मालदा रेलवे मंडल के प्रबंधक DRM यतेंद्र कुमार ने दी। वहीं मंडल के अधिकारियों के साथ भागलपुर पहुंचे DRM ने रेलवे जंक्शन, रेलवे यार्ड, कैरेज एंड वैगन विभाग का निरीक्षण करने के बाद उक्त जानकारी दी। हमारी जो जाड़ों में वर्किंग अलग हो जाती है, कोहरा भी है, गाड़ियाँ कुछ कैंसिल भी हो रही हैं। कोविड के बाद काफ़ी गाड़ियाँ चली हुई हैं छुट्टी के बाद, तो उन लोगों में थोड़ा सा मतलब जो सुरक्षा की तरह से प्रॉपर लोग सतर्क हैं या नहीं है, तो ये हमारे रूटीन इंस्पेक्शन है। इसमें बाय एंड लार्ज ठीक है, छोटे मोटे तैयारियाँ छुट्टी हुई थी जिससे कि मतलब लैप्सेस हम लोग जो रह जाते हैं, तो उससे मतलब कोई सारी सेफ ट्रेन ऑपरेशन है उसके लिए। सर ये जो मुंगेर कब तक शुरुआत की? इसका मुंगेर जो सुरंग है जहाँ बन रहा है उसका कब तक? मुंगेर सुरंग का काम पूरा हो गया, अब उसका ऐसा पूरा लिंक करके वो CRS इंस्पेक्शन होता है, तो अभी वो हमारी निर्माण शाखा बना रही है, तो उसका कोई अभी टारगेट तो आया नहीं, पर आशा है कि अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। सर नए साल में क्या सौगात मिलने जा रही है? नए साल में भागलपुर को दो नई लिफ्ट मिलेगी, एस्केलेटर मिल जाएगा, इसकी संभावना है कि हम फरवरी या मार्च से पहले फाइनेंशियल क्लोजर पूरा कर देंगे। VIP एंट्री एक अलग हो जाएगी, जैसे नई दिल्ली में 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब उन लोगों के अलग हो जाए, और थोड़ी जित जो सुविधा है सेकेंड एंट्री आपकी खुल जाएगी भागलपुर में, जो दूसरी तरफ से आवागमन और वहाँ बुकिंग का काउंटर भी खुल जाएगा। यही है अभी फिलहाल में। फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे DJ वेट्स, DJ म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री टिकट की बुकिंग शुरू है। संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। भागलपुर कचरा डंपिंग को लेकर भागलपुर नगर निगम की घोर लापरवाही। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और प्रतिदिन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कनकैथी में कचरा डंप के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। डंपिंग ग्राउंड मिले 2 वर्ष हो गए, लेकिन अब भी नगर निगम शहर भर का कचरा शहर के बीचों बीच लाजपत पार्क के समीप या नाथनगर के 2 गच्छी और बाईपास के समीप गिरवा रहा है।
बाईपास के समीप सड़क किनारे कूड़ा डंप करने से वन विभाग के लगाए दर्जनों पौधों का जीवन संकट में तो है ही, दूसरी ओर सड़क किनारे लगे कचरे की अंबार से फैल रही बदबू आवाजाही करने वाले राहगीरों को परेशानी में डाल रहा है। इस संबंध में जब नगर निगम के जिम्मेदार से बात की गई, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कह जल्दी कचरे को कनकेती स्थित डंपिंग ग्राउंड में गिरवाए जाने की बात कही। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम को लिखकर नगर निगम के कार्यों की जानकारी दी है, भागलपुर नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है। अभी हम तो पहले तो बैठक से पहले हम सर्किट हाउस भी गए थे, आए थे मेरे सम्मानित मंत्री जी आपका पूर्व रामनंद मंडल जी, उनसे मिले, बोले सर आप पहले भी हमको डंपिंग ग्राउंड दे चुके हैं और अब तक उसमें कूड़ा नहीं गिर रहा है, ये क्या खेती बात है, क्योंकि साइड में आपका कूड़ा गिरा दिया जाता है उसमें भी उसमें मिट्टी नहीं ढके जाता है, यहाँ पर उस पर भी हम चर्चा किए हैं साथ में, अभी मैडम उस पर कुछ बोलने से जवाब नहीं दी। कनकेती में नगर निगम का डंपिंग ग्राउंड है, लगभग 4 एकड़ का है जो गवर्नमेंट हम लोग को दिया है, पहले से वहीं पे डंपिंग हो रहा है, लेकिन बीच में वहाँ जो अतिक्रमण करके रखा है तो वो लोग के द्वारा बहुत सारे विरोध करते हैं, तो इसके लिए बहुत लॉ एंड ऑर्डर का संभावना भी वहाँ हो रहा है। तो इस पर्पज के लिए कल भी हम लोग दिशा मीटिंग से पहले डीएम सर से भी चर्चा किया और डीएम सर भी हम लोग को सहयोग करने के लिए रेडी है, फोर्स और मजिस्ट्रेट भेजने के लिए सर भी बताया है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग को वो जगह भी क्लियर हो जाना चाहिए। नवगछिया ताइक्वांडो खिलाड़ी को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय ताइक्वांडो पूर्व से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हाईस्कूल नवगछिया में किया गया। शिविर के मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद थे। इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजीम, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह कोच जेम्स, खेल संघ के अखिलेश पांडे, पंकज कुमार आदि उपस्थित थे। शिविर में खिलाड़ियों को ताइक्वांडो पुमसे का प्रशिक्षण दिया गया एवं बेसिक मूवमेंट की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर ने बताया कि आगामी ताइक्वांडो प्रतियोगिता एवं पुमसे प्रतियोगिता के लिए जिले के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आगामी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सके। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया एकता का कराया गया मेडिकल जांच, न्यायालय में हुआ बयान दर्ज। मृत घोषित हो चुकी युवती एकता के जिंदा बरामद होने के बाद रंगरा पुलिस ने एकता का न्यायालय में बयान कलमबद्ध कराया है, तो दूसरी तरफ नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकीय जांच भी कराया है। फिलहाल एकता कुमारी को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। जानकारी मिली है कि सोमवार को एकता को उसके परिजनों के हवाले किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में एकता के बयान के बाद सामने आए आरोपियों झल्लू दास टोला निवासी सुबोध कुमार और यूपी के बच्चू यादव पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो पुलिस ने हत्या के मामले में बेवजह जेल में बंद संतोष को क्लीन चीट देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रगरा थाना के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि नए सिरे से कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है, इसमें शामिल एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कोरोना भी खिलाड़ियों के हौसले को कम नहीं कर पाया। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय फलक पर छाए रहे नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के खिलाड़ी, वर्ष 2020 के शुरुआती ढाई माह को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल कोरोना से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। ऐसी स्थिति में भी नवगछिया के खिलाड़ियों ने इस वर्ष शानदार उपलब्धि हासिल किया है। मेहनत के बदौलत नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ ने 2020 में कई उपलब्धियां हासिल की है। संघ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कई खिताब अपने नाम कर भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला का नाम रोशन किया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
नवाचार आइडिया कंपटीशन में रंगरा से 10 छात्र छात्राओं का चयन, अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे छात्र छात्राएं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में कक्षा 6 से 10 में अध्ययन कर रहे छात्रों के नवाचार आइडिया कंपटीशन में रंगरा प्रखंड चौक के 10 छात्र छात्राओं का चयन जिला लेवल पर हो गया है। चयनित बच्चों के खाते में सरकार द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जिला स्तर पर चयनित सभी 10 छात्र छात्राएं अब राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उक्त जानकारी रंगरा चौक प्रखंड के वरीय साधन से भी मुकेश मंडल ने दिया है। नवगछिया मास चेकिंग में 50 लोगों एवं 7 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को मास चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 50 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 2500 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 7 वाहन चालकों से 5000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। रंगरा 800 बच्चों को पिलाई गई विटामिन ए की खुराक। रंगरा चौक प्रखंड क्षेत्र के कुल 800 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। रंगरा पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। यह खुराक बच्चों के नेत्र संबंधी विकारों को दूर करेगा। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। मौके पर युवा जदयू के प्रदेश महासचिव सोनू कुमार शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर संगठन और धारदार होगा और युवा वर्ग को अधिक से अधिक मौका मिलेगा। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। इनकम टैक्स देने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि लौटाने का निर्देश मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत इनकम टैक्स देने वाले किसानों से सम्मान निधि वापस करने का निर्देश मिलने से अनुदान लेने वाले किसानों में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के बड़े किसानों ने भी इस योजना का जमकर लाभ उठाया है। जो बड़े किसान आयकर जमा करते हैं वैसे किसानों ने भी इस योजना का भरपूर लाभ लिया, परंतु केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा आयकर जमा करने वालों को आधार कार्ड से चिन्हित कर ली गई है, राशि को वापस जमा करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि नवगछिया अनुमंडल के बीहपुर में 12, गोपालपुर में 33, इस्माइलपुर में 3, खरीक में 22, नारायणपुर में 19, नवगछिया में 50 एवं रंगरा चौक में 14 किसानों को नोटिस थमाया गया है। नवगछिया श्रीपुर से कुर्सेला तक टीके बांध का बोल्डर पिचिंग का कार्य कराए जाने की मांग। नवगछिया में गंगा एवं कोशी नदी के कटाव को रोकने के लिए जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने जल संसाधन विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर कटाव निरोधी कार्य करवाए जाने की मांग की है। जदयू जिला अध्यक्ष ने दिए आवेदन में बताया है कि बाबा विश्व राउत पुल के पहुंच पथ 4 लेन से श्रीपुर होते हुए जहांगीरपुर बैसी होते हुए कुर्सेला तक टीके बांध पूरी तरह से जंजर हो चुकी है। उक्त बांध के दोनों ओर बोल्डर पिचिंग कार्य करवाया जाए। इसके अलावा नवगछिया के कदवा दियारा पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला के पास बीते वर्ष कोशी नदी का भीषण कटाव हुआ था। कटाव को तत्काल नहीं रोका गया तो हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन एवं कई गांव कटाव की भेंट चढ़ जाएगा। इस्माइलपुर प्रखंड के पूर्वी भिट्ठा, रंगरा प्रखंड के तिनटेंगा के भीमदास टोला एवं गोपालपुर प्रखंड के बिनटोली के पास गंगा नदी का कटाव हो रहा है, जहां पर कटाव निरोधी कार्य करवाए जाने की आवश्यकता है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे डीजे वेट्स, डीजे म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री टिकट की बुकिंग शुरू है। संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। खुल गया, खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।